नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की महत्वपूर्ण खबर, बिहार के संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट हम लेकर आए हैं। दोस्तों बिहार में संविदा कर्मियों के वेतन वृद्धि का रास्ता साफ करने की दिशा में किसान सलाहकारों ने बड़ा कदम उठाते हुए पटना के गर्दनी बाग से लेकर जेपी गोलंबर होते हुए विधानसभा तक मार्च करने का काम किया है। उसका जो है कि वीडियो फुटेज हम आपको चैनल पर दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, किसान सलाहकारों ने जो है कि आंदोलन की शुरुआत की तो इसमें जो है कि उनके परिवार के लोग भी आ गए और उनके परिवार के लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर जो है कि सोशल मीडिया पर अपील जारी की। और वैसे ही एक अपील 9 वर्षीय एक मासूम बच्चे के द्वारा की गई है, जिसका जो है कि मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेने की बात कही है और जो है कि मुख्यमंत्री तक यह वीडियो अपडेट हमने जो है कि ईमेल के माध्यम से पहुँचाने का जिम्मा लिया है। इस वीडियो फुटेज को हम CMO तक पहुंचाएंगे। इसके लिए हमें किसान सलाहकार और इनके परिवार के लोगों का जो है कि मंजूरी लेना होगा। वे लोग यदि कमेंट में परमिशन देंगे तो इस वीडियो फुटेज को जो है कि हम मुख्यमंत्री को सीधे प्रेषित करेंगे ताकि मुख्यमंत्री इसका संज्ञान ले। तो सारा खबर जो है कि आपको दिखाए उससे पहले जो है कि इस मासूम के अपील को आप स्वयं सुनिए कि इस मासूम बच्चे ने किसान सलाहकारों की जो है कि दुर्गति और जो है कि उनकी हो रही तबाही और जो है कि उनके परेशानियों के बारे में, पारिवारिक स्थिति के बारे में और जूझ रहे महंगाई में और इस तरह की जो है कि विकट परिस्थिति का बयान कैसे किया है इस बच्चे ने। तो पहले इस वीडियो फुटेज को देखिए। वेतन वृद्धि की दिशा में बढ़ रहे कार्यवाही को हम आगे आपको बताएंगे, पहले वीडियो फुटेज में सुनिए कि यह बच्चा जो है कि क्या बोल रहा है। मेरा नाम अनुराग प्रिया है, मैं 9 वर्ष का हूँ। मेरे पापा किसान सलाहकार है, उनको जो भी पैसा मिलता है वो पेट्रोल में खर्च हो जाता है। राशन की राशन कहाँ से आएगा। हम 3 भाई दादा दादी एवं मम्मी पापा कुल 7 आदमी का खर्च मेरे पापा के सिर पे है। नीतीश चाचा आप तो अपना वेतन बढ़ा लेते हैं लेकिन किसान सलाहकार जिनके बदौलत आपको 4 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला उनका स्थिति बद से बदतर होते जा रहा है। आपको 2024 का लोकसभा एवं 2025 का विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा। हम लोग भूखे मर रहे हैं, किसान सलाहकार रोड पे धूप में जल रहे हैं, आप AC में बैठकर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। आप भी कुछ दिनों बाद रोड पर चल आएंगे जाएंगे। आप तो कहते थे सबका साथ सबका विकास लेकिन आप सिर्फ अपने विकास में लगे हुए हैं। बिहार तो संभलता नहीं, देश संभालने की सोच रहे हैं, ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। दोस्तों बच्चे ने कहा कि दादा दादी पिता माता सहित वे लोग 7 लोग हैं और परिवार नहीं चलता, जो पैसा मिलता है वह पेट्रोल में जल जाता है और जिस किसान सलाहकारों की बदौलत आपको 4 बार केंद्र सरकार ने कृषि कार्य करने के लिए, बेहतर कार्य के लिए आपको पुरस्कार दिया, उन्हीं किसान सलाहकारों को भूल गए। अपना वेतन तो बढ़ा लिया नीतीश चाचा लेकिन किसान सलाहकारों का वेतन नहीं बढ़ाया। बिहार तो संभलता नहीं और देश संभालने की सोच रहे हैं, यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। और जो है कि आप भी एक रोज रोड पर आ जाइएगा तब आपको सारी बातें समझ में आएगी। इस बच्चे के बातों में बिहार के तमाम संविदा कर्मियों की दर्द और आवाज छुपी हुई है और इस बच्चे ने बिहार के तमाम संविदा कर्मियों की बातें कह दी हैं। अब जो है कि बिहार के अन्य संविदा कर्मियों को भी चाहिए कि जिस तरह से किसान सलाहकारों ने जेपी गोलंबर होते हुए विधानसभा तक जो है कि घेराव करने का काम किया, गर्दनी बाग में धरना और प्रदर्शन किया और बिहार के तमाम विधानसभा के विधायकों को जो है कि ज्ञापन सौंपा और पटना की धरती पर पहुंचकर बिहार के किसान सलाहकारों ने अपनी आवाज़ विधानसभा और विधान परिषद में उठाने के लिए तमाम जो है हथकंडे अपनाए और विधायकों को जो है कि कहा और समझाने का काम किया, उसी तरह बिहार के तमाम संविदा कर्मियों को भी आगे आना चाहिए। आपको बताते चले कि बिहार के शिक्षक संघों के नेताओं को बिहार के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने जो है कि आश्वासन दिया है कि विधानसभा सत्र समाप्ति के उपरांत तमाम तरह के संगठन जो प्रदर्शन और धरना कर रहे हैं उनको बुलाकर उनकी बातों को सुना जाएगा।
तो इस कड़ी में अभी 3-4 रोज बाकी हैं। बिहार के बाकी के संविदा कर्मियों को भी अपने नेताओं से कहना चाहिए कि वे लोग पटना की धरती पर उतरने का काम करें, धरना और प्रदर्शन करने का काम करें, और इस तरह का आवाज़ सोशल मीडिया के माध्यम से उठना चाहिए, जिससे जो है कि विधानसभा सत्र के समाप्ति के बाद जब वेतन वृद्धि की कार्यवाही शुरू करने की बात मुख्यमंत्री ने कही है, ग्रेड पे स्केल देने का आश्वासन जो सरकार दे रही है, उसका लाभ बिहार के तमाम संविदा कर्मी, जिनमें जो है कि शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, बिहार किसान सलाहकार, रात्रि प्रहरी, रसोईया, बिहार बिजली विभाग मानव बल, बेल्ट्रॉन और उर्मिला के डाटा एंट्री ऑपरेटर, पंचायत कार्यपालक सहायक, ग्रामीण आवास सहायक एवं पर्यवेक्षक, उर्मिला के तहत कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो 10 रोज से तालाबंदी कार्यक्रम और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विद्यालय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वाले लोग भी आंदोलन में उतारू हैं। जेल में चालक बल, नाई, रसोईया और सफाई कर्मी, तमाम तरह के जेलों में संविदा कर्मी हैं। बिहार विद्यालयों के रात्रि प्रहरी, स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी, बेल्ट्रॉन और उर्मिला के सभी प्रकार के कर्मी, पंचायत रोजगार सेवक, PhD पंप ऑपरेटर, पात्रता परीक्षा सांख्यिकी स्वयं सेवकों के लिए त्रिस्तरीय कमेटी का निर्माण सरकार ने कर रखा है, लेकिन कार्यवाही में विलम्ब हो रही है। माना जा रहा है कि चुनाव पूर्व इन लोगों के संबंध में सरकार निर्णय लेगी, लेकिन इन्हें भी अपनी बातों को रखनी चाहिए। न्याय मित्र कचहरी सचिव का बड़ी मां भारी संख्या में जो है कि शोषण का दौर चल रहा है, सरकार पत्र जारी करती है कि इन्हें बकाए मानदेय का भुगतान किया जाए, राशि आवंटित हो जाता है, लेकिन न्याय मित्र कचहरी सचिवों से वेतन देने के बदले में पैसे और रिश्वत की मांग की जा रही है, जो एकदम अक्षम्य और जो है कि निंदापूर्ण कार्य है। पटना जल बोर्ड में संविदा कर्मी हैं, मोटर वाहन चालक हैं, बिहार के विकास मित्रों का वेतन बहुत दिनों से नहीं बढ़ा है, विकास मित्रों की स्थिति जर्जर हुई है, विकास मित्रों को भी आगे आना चाहिए और सरकार से मांग करना चाहिए, और सरकार को विकास मित्रों की मांग पूरी करनी चाहिए। नल जल के अनुरक्षक जो हटा दिए गए हैं, पूर्व का उनका मानदेय बकाया है, IT अनुदेशक, BDEMC डाटा एंट्री ऑपरेटर, वैक्सीन कुरियर स्वास्थ्य विभाग, SLWM स्वच्छता पर्यवेक्षक, LSBA के काउंसलर, सह पुलिस जवान जो कि गृह विभाग के अंतर्गत कार्यरत हैं, सह पुलिस जवानों का जो है कि वेतन वृद्धि बहुत दिनों से लंबित है, तमाम तरह के पुलिस जवान जो हमारे संपर्क में हैं, हमसे मांग करते हैं कि सर अपने स्तर से सरकार तक हमारी बातों को पहुँचाने का काम किया जाए, तो बिहार सह पुलिस जवानों को भी आगे आकर मांग अपनी सरकार के समक्ष रखनी चाहिए, ऐसा हम सुझाव देते हैं। नए वार्ड सचिव और पुराने वार्ड सचिव, तमाम तरह के वार्ड सचिवों को सरकार ने आश्वासन दिया है, इनकी मांगों को तत्काल सरकार को पूरी करनी चाहिए। ICT कंप्यूटर इंस्ट्रक्चर, कोविड फार्मासिस्ट, BAM, NHM, KTS, STS, BMN लैब टेक्नीशियन, सैनिटाइजर सुपरवाइजर, उन्नयन नाइट गार्ड, बिहार स्वास्थ्य परिवार नियोजन सलाहकार, ब्लॉक कृषि ऑपरेटर और जो है कि लेखापाल, IT सहायक, DRC के कर्मी, आशा, ममता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, तमाम तरह के संविदा कर्मियों को तेजस्वी यादव के द्वारा मौखिक भरे मंच के माध्यम से घोषणा करके संबोधित करते हुए आश्वासन दिया जा चुका है, और सरकार कह रही है कि इस दिशा में जो है कि कार्रवाई चल रही है, लेकिन तमाम तरह के संविदा कर्मी आगे आकर वेतन वृद्धि हेतु स्वयं मांग करें, जैसे किसान सलाहकार और जो है कि शिक्षा पंचायत शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है, तब जाकर सरकार जो है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी, और हम इसके संबंध में जो भी जानकारी होगा आपको देने का काम करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय